टू फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल में साईं का बेबी पसंद में आप लोग को स्वागत है दोस्तों। और मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही थी सुबह के लगभग 6 बजे। तो इधर एकदम सुबह सुबह ना सूर्यदेव जी निकल चुके हैं, अपना दर्शन दे दिए हैं। और सुबह के इधर ना अभी मतलब काम स्टार्ट नहीं हुआ था, जैसे कि मतलब नल भी नहीं आया था तो इधर तराई नहीं किया गया था। और फिलहाल पानी तो भरा हुआ था क्योंकि सुबह शाम मतलब नल दे दिया था, लेकिन पता नहीं आज सुबह देगा कि नहीं देगा, क्योंकि सुबह और शाम को दे दिया तो कुछ भी पता नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को ना आज दिखाऊंगी मतलब घर का जो छत ऊपर बन रहा है रूम वगैरह, तो कहाँ पास से रूम रहेंगे, कहाँ पास हॉल रहेगा, बेडरूम रहेगा। तो इधर ना ये मतलब ये रूम ही बनेगा और एक इधर बनेगा, तो और एक इधर ना हॉल रहेगा जो रूम के बाद मतलब ये हॉल है, और इसके बाद इधर ना एक और रूम निकलने वाला है। तो अभी फ़िलहाल ना काम चालू है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा करके ही मतलब बनेगा, इकट्ठा तो बनेगा नहीं तो। और जो इसके बाद जो यहाँ पास ना मतलब ये भी हॉल बनने वाला है, जो कि बाहर वाला जो आंगन था ना उसको ना हम लोग मतलब छत डलवा देंगे, क्योंकि नीचे का हॉल निकल आएगा और ऊपर का मतलब आंगन निकल आएगा। तो इधर ना नीचे साइड मतलब हॉल रहेगा और ऊपर साइड आंगन मतलब छत ऊपर आंगन रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत जाती बरसात जब बारिश होता है इसलिए। तो इधर ना अभी मेरा स्टार्ट हो चुका है, काबे के लिए खाना बना रही हूँ, जो कि वो 2-3 दिन बाद स्कूल जा रही है, तो उसका ना तबीयत मतलब सुधार आया है। तो वही इधर अभी मैं ना खाना बनाने में लगी हुई, जो कि उसको ना मैं सोच रही थी कि अब इसको तबीयत ठीक हो गया है तो क्यों ना मैं इसको स्कूल भेज ही दूँ। तो इधर अभी मैं खाना बनाने में लगी हुई हूँ। एक तानी पे बैठे थे, तब से बारिश की खा रहे थे, एक तालाब में कूद गया जा, अच्छा और ठंडा था, अब बच्चे दो रंगी में था, दो छोटे रंग एक टोने पे बैठे थे, तब से बारिश की रेखा रहे। और इधर ना एक साइड अभी मेरा मतलब दाल पक रहा है और सब्जी फ्राई कर रही हूँ, जो कि सब्जी बना रही हूँ आलू और भिंडी की सब्जी। चावल मेरा बन चुका था, तो ब्लॉगिंग ना इससे पहले काबिया कर रही थी, क्योंकि थोड़ा मैं काम में मतलब लगी हुई थी, तो वो ना क्या है कि जब भी मतलब कार्टून वगैरह देखती थी उसी को देख के ना वो कहीं क्या बोलने लगती है, तो वही उधर ना ब्लॉगिंग में थोड़ा सा उसका आवाज़ भी आया होगा। तो इधर अभी मैं ना दाल में नमक वमक मतलब डालूंगी, और इसके बाद ही सारा बर्तन मेरे को धुलना है। और वो ना लंच में मतलब बोल रही थी कि मैं दाल चावल फ्राई वाला और भिंडी की सब्जी खाऊंगी, तो वही इधर मतलब बनाने में लगी हुई हूँ। और बच्चे क्या ना जब भी मतलब फरमाइश करते हैं कि मुझे ये खाना है वो खाना है, तो उनके लिए ना बनाना चाहिए, नहीं तो फिर वो खाना खाते नहीं हैं। तो वही इधर मैं अभी बना रही हूँ, और अभी मुझे ना सारा काम भी पड़ा हुआ है, जैसे कि काम लगा हुआ है घर पे तो मतलब काम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो इसे पर ना थोड़ा थोड़ा काम, जैसे थोड़ा सा ये करो, थोड़ा सा वो करो, थोड़ा सा बच्चों को देखो, थोड़ा सा घर का काम, थोड़ा सा बाहर, जैसे हस्बैंड जी भी मतलब चले जाते हैं दुकान वगैरह सामान लाने के लिए, तो मुझे बाहर भी देखना पड़ जाता है, तो टाइम ना बहुत ही ज़्यादा लग जाता है नहाने धोने में। तो फिर ना जिस दिन मतलब लेट हुआ, जैसे कि समझ में आया कि आज ना 1-2 बज ही जाएंगे, तो फिर मैं ना बिना नहाए ही खाना खा लेती हूँ, और जैसे लगा कि नहीं आज जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं जल्दी से काम ख़त्म करके ही मतलब नहा धोकर ही खाती हूँ। तो इधर अभी मैं फ्राई करने में लगी हुई हूँ। और खाना बनाने के बाद ना मतलब इधर देखिए मैं दूसरे काम में लग गई हूँ, जो कि मुझे ना ये कब से मतलब सोच रही थी कि जो ईंटे का टुकड़ा होता है ना वो छोटे छोटे इसको इधर ला के मैं डाल दूँगी और अच्छे से एकदम मतलब कूट दूँगी, तो ये छोटे छोटे हो जाएंगे। इसके बाद ना मैं इसमें पानी डाल दूँगी, क्योंकि बरसात में इधर ना पूरी तरह से पानी जम जाता है, भर जाता है,
तो आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इधर अभी सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे और मेरा खाना भी फिलहाल बन चुका था, कार में चली गई थी स्कूल और बाबू का भी मतलब नहीं नहलाई धुलाई थी क्योंकि काम बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए मैं सोच रही थी कि जब तक वो ना खेल रहा है तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर वो परेशान करना स्टार्ट कर देता है। तो इधर अभी मैं ना छोटे छोटे टुकड़े मतलब कर रही हूँ और इसमें फिर डालूँगी पानी तो और भी ज़्यादा बैठ जाएगा, और इसके बाद इधर ना फिर गाड़ी आती जाती रहती है, जैसे हमारा छोटा सा दुकान है तो फिर कई लोग आते हैं तो फिर वो तो बैठ ही जाएगा, और पानी डाल दूँगी तो और अच्छे से बैठ जाएगा, नहीं तो फिर जैसे अभी सूखा है तो पैरों में अभी गड़ेगा मतलब चुभेगा। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आप लोग से मिलूँगी शाम के करीब 4 बजे। तो इधर ना मुझे बहुत ही तेज़ मतलब ठंड भी लग रही थी और हवा भी मतलब चला रहा था, और जैसे कि बताई थी कि कल ना दोनों टाइम नल आ गए थे तो आज शाम टाइम आए हैं, तो वही इधर ना अभी मैं सींचने में लगी हुई थी और जो कि इसको मतलब सींच दूँगी तो अच्छे से बैठ जाएगा। तो मौसम ने एकदम से मतलब पानी का बना रहा था और हवा भी चला रही थी, और अभी एक साइड मतलब ना छोटे छोटे टुकड़े का चूरन मतलब मैं डाली हुई थी क्योंकि अभी निकला नहीं था, और जब हम लोग फर्स्ट बार ना ईंट गिरवाए हुए थे तो एकदम से बहुत ही बेकार था वो, ना क्या कि अपने आप ही टूटता था। इसके बाद ना हम दूसरी बार जिस मंगवाए हैं तो फिर दूसरों से ही मंगवाए, मतलब जो फर्स्ट बार मंगवाए हुए थे तो उनसे हम लोग नहीं मंगवाए हैं क्योंकि ख़राब ईंटा था और इसके चलते ना बहुत ही नुकसान हम लोग का हुआ। इसके बाद ना मैं ना पानी वानी मतलब भरी और सींची, और इसके बाद देखिए मैं छत में आ गई हूँ जो कि इधर मुझे अभी मतलब तराई भी करना है शाम का, और जब भी मतलब नल आता है तभी थोड़ा आसान लगता है मतलब इधर ना तराई करने में, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि पानी लानो इसके बाद इधर सींचो डालो पानी तो प्रॉब्लम भी होती है, मतलब थोड़ी सी परेशानी जाती है, प्रॉब्लम तो नहीं होती परेशानी थोड़ी सी जाती है। तो वही इधर ना जब नल आया था तो सारा पानी हम लोग भर लिए थे मतलब नीचे ड्रम वगैरह, और ऊपर भी काम चालू था तो उसको भी मैं भर ली थी। इसके बाद इधर ना भी मैं तराई करने में लगी हुई हूँ क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम लोग इसको तराई नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है कि इसका पकड़ जो है ना बहुत ही जल्द मतलब ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोग से मिल रही हूँ रात के 10 बजे, और अभी मैं आप लोग को टाइम भी दिखा दे रही हूँ, देखिए टाइम। तो हुआ ये कि हमारे छत में ना कुछ मतलब आवाज़ें आ रही हैं तो मैं इनको बोल रही हूँ कि चलो ना देखेंगे छत ऊपर मतलब इतना आवाज़ की किसका आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन है ऊपर। तो ये रहा अभी इसको सुलाने में लगे हुए हैं, चलो चलते हैं। तो अभी बोल रहे हैं कि इसको सुला दो, उसके बाद चलते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि छत ऊपर मतलब किसका आवाज़ आ रहा है, कौन है छत ऊपर में। तो भी जाएगा आ जाओ चलो कुछ आकर देखते हैं। मुझे तो ठंडी लग रही है बाहर बहुत ही ज़्यादा, एकदम से हवा भी चल रही है, तो मैं तो सबसे पहले साफ़ी और ले ली और स्टिक को भी निकाल ले रही हूँ क्योंकि इधर अंधेरा है तो कुछ अभी दिखाई भी नहीं देगा। दरवाजा तो लगा हुआ है ना, तुम क्यों आ गए बाबू?
दरवाजा तो खुला हुआ है। मुझे खिड़की भी खुली हुई है ना, इधर तो कोई भी नहीं है, शायद बिल्ली आई होगी। अरे एक बार क्या हुआ था, मैं ना लकड़ी लेने के लिए यही रूम में आई थी, तो इधर बैठी हुई थी बिल्ली और फिर भागी इधर से। मैं दिखा रही हूँ, रुको रुको साइड में हो जा। इधर से निकल के भागी थी, मैं इतना तेज से डर गई थी कि मैं क्या बताऊँ। इसको बंद कर दे रहे हैं। हाँ अरे रे रे लग जाएगा, लगा तो नहीं। चलो हाँ मैं आ रही हूँ ना, ये दरवाजा खुला हुआ था शायद बिल्ली आई होगी। क्या सुबह से मतलब शाम से जब से मैं खाना बना रही हूँ ना, तब से अभी मतलब बार 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 आ रही है। फिलहाल इधर तो कोई नहीं है और टाइम 10:06 हो चुके हैं। क्या है ना कि सामान भी इधर मतलब पड़ा हुआ है, पूरा सामान जो भी मतलब घर बन रहा है तो उसी का इधर पूरा सामान मतलब पड़ा हुआ है। और इधर शाम का नल आया था तो मैं पानी वगैरह मतलब भर दी हूँ। ओए मुझे छोड़ के कहाँ, बाप बेटे तो मेरे को ही छोड़ के भाग गए। और गांव में ना शादी भी हो रही तो शायद उसी का आवाज़ हम लोग को सुनाई दिया होगा। क्या है बिट्टू, क्या है, क्या है, भूतू है? नहीं है भूतू, बिल्ली थी भाग गई, बिल्ली थी भाग गई। चलो आज दोस्तों आज का वीडियो ब्लॉग यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, आज अपने परिवार का ख्याल रखें, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। हाल ही हम लोग गए हुए थे लेकिन वो तो कुछ नहीं था और शायद बिल्ली ही आई होगी, क्योंकि शाम से जब से मैं खाना बना रही हूँ ना तब से ही आना जाना उसका लगा है, उसको मार मार कर परेशान थी और ऊपर भी मतलब जोर से आवाज़ भी आ रही थी और मतलब मैं शादी भी हो रही थी बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आ रहा था। तो मैं इनको ना मतलब अपने तसल्ली के लिए बोली थी कि चलो देख कर आते हैं, पीछे का पूरा सामान भी रखा हुआ है उसी के लिए ना मैं गई रही थी। तो चलिए आज का वीडियो ब्लॉग यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाबू बाय बाय करो बाबू, ये तो मोबाइल में बिजी हो गया, आप किसी को नहीं सुनेगा।